Fantasy and the Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come join with us. अपनी जो है तैयारी कर लीजिए. उसके बाद जितने भी स्टार अचीवर हैं मेरे साथ में, मैं सभी स्टार अचीवर्स का जो है बहुत बहुत स्वागत करता हूं. जितने भी स्टार साथी हमारे बीच में हैं, क्योंकि आज का स्टार कल का सुपरस्टार, तो आज जितने भी स्टार हमारे साथ जुड़े हैं, मैं सबका स्वागत करता हूं दिल की गहराइयों से. जितने भी हमारे बीच में रॉयल्टी अचीवर गोल्ड के लेवल पर हैं, सभी गोल्ड का भी हम स्वागत करते हैं, सभी स्टार गोल्ड का हम स्वागत करते हैं, सभी प्लेटिनम का भी हम दिल की गहराइयों से स्वागत करते हैं, सभी स्टार प्लेटिनम का भी हम दिल की गहराइयों से स्वागत करते हैं, और सभी जितने भी ये रॉयल्टी अचीवर्स के मैंने जो है आपको पायदान गिनवाए, सभी का मैं वेलकम करता हूं. और एक छलांग जरूरी है मेरे दोस्त, एक छलांग जरूरी है मेरे दोस्त, ऑल रॉयल्टी अचीवर एक छलांग जरूरी है मेरे दोस्त, क्योंकि अब जो है समय आ चुका है कुछ चेंज करने का, अब समय आ चुका है कुछ परिवर्तन लाने का, है ना. बहुत समय से अगर हम एक स्टेप पे खड़े हैं तो हमें छलांग लगाने की अभी जरूरत है, और ठंडी हवा का मजा पसीना आने के बाद ही आता है. यदि आज आज आपकी मेहनत हो गई, आज आपने काम कर लिया, तो डेफिनेटली जो है परिणाम कुछ और हो सकते हैं, डेफिनेटली जीत आपकी हो सकती है. सभी साथियों का, टेक्निकल अचीवर्स का, पर्ल स्टार पर्ल का मैं वेलकम करता हूँ. एम्ब्रॉल्ड स्टार एम्ब्रॉल्ड अचीवर हमारे बीच में, स्टार एम्ब्रॉल्ड अचीवर चाचा शिव कुमार शर्मा जी हैं. चरण स्पर्श करते हैं हम चाचा जी को, आशीर्वाद चाहेंगे कि धमाकेदार हमारा आज का जो है सेशन रहे. हम सभी स्टार एम्ब्रॉल्ड अचीवर्स में जर्नल सिंह खालसा जी का हम स्वागत करते हैं, हम स्वागत करते हैं डीके सिंह सर का, हम स्वागत करते हैं आज के इस शानदार प्रोग्राम में सुरेश यादव साहब का. हमारे बीच में रूबी अचीवर श्रीमान शैलेंद्र धिंगड़ा जी हैं, वेलकम करते हैं हम. राकेश अरोड़ा जी का वेलकम करते हैं. हमारे बीच में हमारे ग्रेट गुरु श्रीमान राकेश शर्मा साहब हैं, वेलकम करते हैं हम राकेश सर का भी. और इस समय हाउस फुल हो चुका है, और मैं आपके वार्म वेलकम के बीच में एक ऐसी ग्रेट शख्सियत को इनवाइट करने जा रहा हूं, क्योंकि आज दिन उनका है, हम उनको सुनेंगे. मैं काफी एक्साइटेड रहता हूं उनको सुनने के लिए. और मेरे फेवरेट लीडर्स में से रवि सर बड़े गजब के हमारे लीडर हैं, और मैं आपके वार्म वेलकम के बीच में एक ऐसी हस्ती को इन्वाइट करने जा रहा हूं. साहब, हर व्यक्ति चाहता है कि उसका परिवार खुशहाल रहे, हर व्यक्ति चाहता है कि उसके उसकी जिंदगी खुशहाल चले, आगे आने वाला समय उसका खुशहाल रहे. ऐसी ही सोच हमारे एक ग्रेट लीडर स्वर्गीय श्री ओपी शर्मा साहब जी की थी, जो राजस्थान गवर्नमेंट में ज्वाइंट डायरेक्टर की पोस्ट पे थे. अच्छी खासी सैलरी थी, कम और बड़ा मतलब मान सम्मान उनका, रेपो बहुत अच्छी थी उनकी. उसके बावजूद आरसीएम बिजनेस उन्होंने ज्वाइन किया. मेरी मुलाकात उनके साथ में एक दो मीटिंग्स में हुई शुरुआत में, लेकिन जो जुनून उनका था, बड़ा खतरनाक लेवल का जुनून था. और उन्होंने सिखाया था कि गर्मी खून में नहीं होती, गर्मी ऊन में नहीं होती, गर्मी जून में नहीं होती, गर्मी जुनून में होती है. जुनून सवार रख के काम करते थे, जयपुर से जींद हरियाणा तक और हिंदुस्तान के अलग अलग स्टेट के अंदर काम करते थे. इतनी बड़ी पोस्ट पे होने के बाद भी काम इसलिए करते थे, एक सवाल जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं अपने लिए नहीं बल्कि अपने बच्चे के लिए आरसीएम बिजनेस कर रहा हूं. और आज सर इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आरसीएम बिजनेस एक सिक्योरिटी, एक जीते जागते एग्जाम्पल हमारे बीच में, हमारे साहब रवि शर्मा साहब हमारे बीच में है. और ऐसी ग्रेट शख्सियत, ऐसी ग्रेट पर्सनैलिटी आज एक जीता जागता सबूत है आरसीएम में, कि आरसीएम बिजनेस जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी. एक ऐसी ग्रेट पर्सनैलिटी, एक ऐसी ग्रेट शख्सियत जिन्होंने अपने पिताजी के पदचिन्हों पर चलते हुए और उसी काम को आगे बढ़ाते हुए आज पूरे हिंदुस्तान में अपने नाम को, अपनी पहचान को बढ़ा के दिखाया. मैं इनवाइट करता हूं आपके वार्म वेलकम के बीच में द ग्रेट पर्सनैलिटी, द ग्रेट हीरो, नेशनल हीरो, प्लीज हैप्पी वेलकम श्रीमान रवि शर्मा साहब. वेलकम रवि सर. बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच. मेरी आवाज आ रही है प्रॉपरली? बिल्कुल आ रही है सर. थैंक्स अ लॉट. बहुत बहुत धन्यवाद गुलाटी सर, और काफी अच्छा मोटिवेशन अभी आपने दिया. चूंकि ट्रैवलिंग में होने की वजह से मैं थोड़ा लेट हो गया, तो माफी चाहता हूँ. और जो मोटिवेशन आप वहां पर बैठ के दे रहे थे, मेरा एनर्जी लेवल भी आपने बढ़ा दिया, कि कहीं ना कहीं मुझे भी एनर्जी मिल गई है कि इतनी शानदार शख्सियत पर्सनैलिटीज हमारे साथ काम करती है, हमारी टीम को बढ़ाने के लिए हमारे साथ मेहनत करती है, तो कहीं ना कहीं खुशी बहुत ज्यादा होती है. और अपन शुरू करते हैं, उससे पहले आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं. आज होली है, रंगों का त्योहार है,
और ये रंगों का त्योहार आपकी जिंदगी में बहुत सारे रंग लेकर आए, हर तरीके से आप खुश रहें, आपका परिवार स्वस्थ रहे और इतनी खुशियां हैं रंगों के रूप में कि आप पूरी जिंदगी उन रंगों को भूल ना पाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे वापस से याद किया। एंड बड़ा अच्छा लगता है कि बार बार राकेश सर एंड पूरी टीम से मुझे याद करती है और मैं आपके बीच में आता हूँ तो बड़ा मुझे गर्व महसूस होता है। और कहीं ना कहीं ये परिवार का हिस्सा भी है। देखिए बारीक सबसे बड़ी बात क्या है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की सबसे बड़ी बात क्या, आरसीएम की सबसे बड़ी बात क्या है, हमारा परिवार है ये। और हमारा ये परिवार जब हम आपस में मिलते हैं कुछ समय बाद तो बड़ा अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि बहुत लंबे समय बाद अपने परिवार से मुलाकात हो रही है, अपने दोस्तों से मुलाकात हो रही है। और ये कहीं ना कहीं हमें इस बिजनेस के अंदर सीखने को मिलता है कि एक आम आदमी की जिंदगी के अंदर ये बिजनेस कितना बड़ा परिवर्तन लेकर आता है कि उसको अपनी जिंदगी में अपनी लाइफस्टाइल के अंदर एक नया तजुर्बा, एक नया अनुभव और नया एक्सपीरियंस देता है। और एक्सपीरियंस ऐसा देता है जैसे कि हम अपने परिवार से मिल रहे हैं, अपने दोस्तों से मिल रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज है इस बिजनेस की। और आप सब लोग आज टाइम निकालकर यहाँ पर आए क्योंकि आज त्योहार है, होली है, उसके बावजूद भी आप लोग यहाँ पर बैठे हैं। तो कोई कमिटमेंट आपके पास है आज, कोई कमिटमेंट के साथ आप लोग यहाँ पर बैठे हैं। दोस्तों थोड़ा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा कि नाम रवि ओपी शर्मा है और पिछले 8-9 साल से इस बिजनेस को मैं सीख रहा हूँ। ये बिजनेस हमारी जिंदगी में क्या परिवर्तन लेके आने वाला है, कैसे ये बिजनेस हमारी जिंदगी को बेहतर बनाता है, ये बिजनेस क्या है, उस पर हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन किसी भी चीज को समझने से पहले हमें अपने आप को समझना पड़ेगा, क्योंकि जिंदगी के अंदर हम जब कुछ बड़ा करने जाते हैं या बड़ा करते हैं उससे पहले हमें अपने आप से कुछ कमिटमेंट करने बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। देखिए दोस्तों, बड़ा करना या कोई लेवल लेना तब संभव हो पाता है जब कुछ कमिटमेंट हम अपने आप से करें। क्योंकि कोई भी संघर्ष आप जिंदगी में करेंगे, कोई भी आप कमिटमेंट अपने आप से करेंगे आगे बढ़ने के लिए, तो कमिटमेंट सबसे पहले उस विश्वास को हमें अपने आप से जीतना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर वो विश्वास हम नहीं जीत पाए तो हम बड़ा नहीं कर पाएंगे। मेरी बात प्रॉपरली समझ में आ रही है आप लोगों को? क्लियर आ रही है मेरी वॉइस? हेलो, बिल्कुल सर, बिल्कुल, बहुत शानदार आवाज आ रही है आपकी। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों बड़ा क्या है आज डिस्कशन हम उसमें करने वाले हैं। मेरे फादर ने इस बिजनेस को स्टार्ट किया, कैसे उन्होंने इस बिजनेस को डेवलप किया, ये बिजनेस क्या देता है, किस तरीके से एक आम आदमी की जिंदगी को बदल देता है और कैसे एक इंसान के वो सपने जो सपने मर चुके हैं उनको जिंदा करता है और बड़ा करता है, उस सब पर हम बात करेंगे। दोस्तों दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं, गौर करना मेरी बात को, दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। पहला आदमी, पहली कैटेगरी कौन सी होती है? पहली कैटेगरी वो होती है जो पूरी जिंदगी जैसी चल रही है वैसी चलने दो, कुछ बड़ा नहीं करना, कुछ अलग नहीं करना। क्या होती है पहली कैटेगरी? जैसी जिंदगी चल रही है चलने दो। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? हेलो, यस। पहली कैटेगरी कौन सी होगी? कि जिंदगी जैसी चल रही है चलने दो। दुनिया में 3 तरह के इंसान बनाए हैं भगवान ने, जो मेरे को ऐसा महसूस होता है, और उसमें से पहली कैटेगरी वो होती है जिनकी जिंदगी जैसी चल रही है चलने दो, कुछ नया नहीं करना। दूसरी कैटेगरी वो होती है जो अपने समय को और अपने टाइम को किसी और के लिए खत्म करती है और किल करती है, मतलब किसी और की सफलता है, किसी और की बातें करके उसे बड़ा बनाने में। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपना समय लगाते हैं, अपना वक्त लगाते हैं और उसी के अंदर खुश हो जाते हैं, उनको ऐसा लगता है कि हमने बहुत बड़ा काम किया है, हम ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। दूसरी कैटेगरी वो होती है। और तीसरी कैटेगरी कौन सी होती है? तीसरी कैटेगरी वो होती है जो खुद ड्रीमर होते हैं। ड्रीमर मतलब जो सपने देखते हैं और उनको बड़ा करने के लिए मेहनत करते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग बहुत अच्छे से? हेलो, प्रोमोसर थोड़ा सा मेरे साथ नेटवर्क का प्रॉब्लम यहाँ पर आ रहा है, अगर मेरे को कोई कनेक्ट कर पा रहा था एक बार मुझे रिप्लाई देते रहे। आप बिल्कुल सही, बिल्कुल सही ट्रैक पे हो, सब समझ रहे हैं सर, बिल्कुल शानदार चल रहा है। एक नंबर, मैंने कौन सी कैटेगरी बताई? पहली कैटेगरी, जैसी जिंदगी चल रही है चलने दो। एक इंसान वो होता है, दूसरा इंसान कौन होता है? दूसरा इंसान वो होता है जो दूसरों को सफल बनाने के लिए अपना समय देता है, अपना टाइम देता है। और तीसरा आदमी कौन होता है? जो ड्रीमर होता है, जो सपने देख के खुद को सफल बनाता है। अब सबसे पहली चीज हमारी जिंदगी में क्या हमें डिसाइड करनी है कि हम किस कैटेगरी में आते हैं। क्या हम जैसी जिंदगी चल रही है वैसे चलने दें, या हम किसी और को सफल बनाएं, या हम खुद को सफल बनाएं, या ड्रीमर हमारे खुद के सपने पूरे करें। आज आप लोगों को सबसे पहले यह समझना है कि आप जितने लोग मेरे साथ कनेक्टेड हैं, आप किस कैटेगरी में आते हैं, पहली में, दूसरी में या तीसरी में। हेलो, बहुत बड़ी बात समझा रहा हूं आप लोगों को, क्योंकि हमारी सोच हमारा भविष्य निर्धारित करती है। क्या बोला मैं? हमारी सोच हमारा भविष्य निर्धारित करती है। जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे।
अगर जिंदगी जैसी चल रही है उस पर गौर करोगे तो बड़ा नहीं कर पाओगे, किसी और की भविष्य में मतलब तारीफ करोगे, किसी और की बातें करोगे, अपने टाइम को किल करोगे, जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। और अगर आप सपने देखते हैं, आप ड्रीमर हैं कि नहीं मुझे बहुत बड़ा करना है, आगे बढ़ना है, तो आप कोई कमिटमेंट अपने आप से करके डिसीजन लेने का प्लान करोगे। अब सबसे पहले हमें यह समझना है कि हमारी कैटेगरी कौन सी है, पहली, दूसरी या तीसरी। अब नीचे मेरे पास लोग लिख रहे हैं तीसरी कैटेगरी, हम तीसरी कैटेगरी में आते हैं, मतलब ड्रीमर, हमें बड़ा करना है। लेकिन मेरे दोस्तों, लिखने से बड़ा नहीं होता। यहां सबसे बड़ी गलती हम क्या कर रहे हैं, हम लिख रहे हैं लेकिन हमारी सोच पहली और दूसरी कैटेगरी में काम करती है। बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं, लिखना मात्र से बड़ा इंसान नहीं बनता। अगर आप ड्रीमर हैं, आपके सपने आप पूरा करना चाहते हैं, आप अपने आप से कमिटमेंट करते हैं, लेकिन वर्क हम कौन सा कर रहे हैं, पहली और दूसरी कैटेगरी का। काम कौन सी कैटेगरी करना हमें, थर्ड कैटेगरी मतलब सपने पूरे करना। लेकिन सपने पूरे करने के लिए हमारा वर्किंग पैटर्न, हमारा वर्किंग स्टाइल एक और दो नंबर की कैटेगरी में आता है। क्या आता है, पहला, हम क्या करते हैं, जैसी जिंदगी चल रही है चलने दो, थोड़ा संघर्ष आता है, हार मान जाते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, डर जाते हैं, कुछ लोग हमें हरा देते हैं, कुछ लोग हमें डरा देते हैं, कुछ लोग हमारे सपने तोड़ देते हैं, कुछ लोग हमें आगे बढ़ने से रोक देते हैं। हम सोचते हैं जो जिंदगी चल रही है बहुत बेहतर है, इससे ज्यादा हमें कुछ चाहिए ही नहीं। गौर करना, बहुत बड़ी बात समझा रहा हूँ, ये जिंदगी की बात है मेरे भाई। 84 लाख योनियों के बाद मानव जीवन मिलता है, उस मानव जीवन के अंदर भी हम अपनी जिंदगी को या तो कुछ लोग बर्बाद कर देते हैं, या आबाद कर देते हैं, या किसी की जिंदगी और की बना देते हैं। गौर करना, किसी और की जिंदगी बना देते हैं। बहुत बड़ी बात समझा रहा हूँ, हिंदुस्तान का 70-60% आदमी आज की तारीख में अपना मैक्सिमम समय किसी और की जिंदगी बनाने में लगा रहा है, किसी और की लाइफ बनाने में लगा रहा है। खुद की लाइफ क्या चल रही है पता नहीं, जिंदगी कहां जा रही है पता नहीं, भविष्य क्या होने वाला है पता नहीं, लेकिन किसी और का भविष्य क्या होने वाला है वो पता है। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी समझने वाली बात है कि हम लोग अपना मैक्सिमम समय उन लोगों पर खर्च कर रहे हैं जो हमारी जिंदगी का हिस्सा नहीं है, हम उनकी जिंदगी बना रहे हैं। और आप महसूस करेंगे, आप कभी महसूस कीजिए, हम जब भी किसी की चर्चा करते हैं या बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हम उनकी जिंदगी के पहलू को उठा रहे हैं, अब चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। गौर करने वाली बात क्या है, आप चाहे, आज मैं एग्जाम्पल देता हूं, इलेक्शन आया, हमने इलेक्शन की बात करी, अब आप बात कर रहे हैं राहुल गांधी की या मोदी जी की, आप दोनों की बात कर रहे हैं, लेकिन समय किसका किल हो रहा है, हमारा। बात किसकी हो रही है, राहुल जी की और मोदी जी की, बड़े कौन बन रहे हैं, राहुल जी और मोदी जी। अब वो किसी भी वे में बन सकते हैं, लेकिन समझने वाली बात यहां पर है कि जो समय हम लोग खर्च कर रहे हैं उस समय से हमें क्या मिल रहा है। और हिंदुस्तान का 70-80% आदमी यही काम कर रहा है, उसे पता ही नहीं है कि समय कितना खराब कर रहा है वो अपना। दोस्तों, समय बहुत मुश्किल से मिलता है, अभी जो समय निकल चुका है, राकेश जी ने जो अभी बात करी है, या सॉरी प्रमोद सर ने जो अभी बात करी है, वो समय निकल चुका है, वापस नहीं आएगा। अब समझने वाली बात यहां पर है कि या तो समय को किल कर दो या समय को इन्वेस्ट कर दो। और हम लोग समय को किल कर रहे हैं बहुत ज्यादा, और ये आपको गौर करना है, ये चिंतन करना है आप लोगों को, चिंता नहीं करनी है, इस पर चिंतन करना है कि कब तक हम लोग अपने समय को किल करेंगे। और ये बहुत बड़ी बात है समझने वाली दोस्तों, दुनिया के अंदर बड़ा आदमी वही बन पाता है जो समय की वैल्यू को समझे और उसको अपनी जिंदगी में उतार के अपने आप को सफल बनाए। गौर कीजिए मेरी बात को, अब आप कैटेगरी तो सेट कर रहे हैं कि हमें थर्ड कैटेगरी में आना है, लेकिन हम काम कौन से कर रहे हैं, पहली कैटेगरी वाले और दूसरी कैटेगरी वाले। अगर पहली कैटेगरी और दूसरी कैटेगरी काम अगर हम करेंगे, या तो हम किसी और को बड़ा बनाएंगे, या जैसी जिंदगी चल रही है हम वैसे चलने देंगे। तो दोस्तों, तीसरी कैटेगरी में आप लोग कभी नहीं आ सकते, और अगर तीसरी कैटेगरी में आप लोगों को आना है तो आपको अपने तरीकों में परिवर्तन लाना पड़ेगा। और परिवर्तन आएगा कहां से, परिवर्तन आएगा पहला अपने आप से, आपको आज एक कमिटमेंट करना है, खुद पर एक विश्वास दिलाना है कि मैं अब अपनी जिंदगी के अंदर कुछ बड़ा करने के लिए आया हूं, और मुझे बड़ा करना है, अपने सपने पूरे करने हैं, अपने ड्रीम पूरे करने हैं, अपने ख्वाब पूरे करने हैं, मुझे जिंदगी में बहुत बड़ा करना है। और अब जो समय मैं खत्म कर रहा था उस समय को मैं खत्म नहीं करूंगा, और खुद को बड़ा बढ़ाने के लिए लगाऊंगा। अगर ये कमिटमेंट आज आपने अपने आप से कर लिया और इसके ऊपर आपने गौर किया, विचार किया, मंथन किया, सोचा और लगातार इसको फॉलो किया, आपकी सोच धीरे धीरे बदलना स्टार्ट हो जाएगी। हेलो, मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग?
जिस चीज को जितना ज्यादा अपनी जिंदगी में आप लेकर आएंगे वो चीज उतनी बड़ी हो जाएगी। हमारे पास पूरा मार्केट खुला है। अच्छी बातें करोगे दिमाग अच्छी बातों में चलेगा, बेकार बातें करोगे दिमाग बेकार बातों में चलेगा, पॉजिटिव सोचोगे दिमाग पॉजिटिव सोचेगा, नेगेटिव सोचोगे दिमाग नेगेटिव सोचेगा। लेकिन सबसे पहली चीज क्या कि हमारे को वो माहौल, हमें वो एटमॉस्फेयर तैयार करना पड़ेगा। अब दिक्कत कहां आती है, हम करने को तो तैयार हैं, हम रेडी है, हम अच्छा बनना चाहते हैं, हम बड़ा बनना चाहते हैं, लेकिन हमारे आसपास का दायरा हमें बड़ा बनने से रोकता है। जैसे कि एग्जांपल, अगर मैंने सोचा कि मेरे को मर्सिडीज खरीदनी है, मैंने सोचा, मैंने चर्चा करी बाहर जाके अपने दोस्तों से कि मुझे मर्सिडीज लेनी है, तो मेरे दोस्त क्या बोलेंगे, तेरा दिमाग खराब हो गया है, मर्सिडीज लेगा तेरी औकात है क्या, पैसा कहां से लाएगा, इंस्टॉलमेंट कैसे चुकाएगा, आगे कैसे बढ़ेगा, इतनी बड़ी गाड़ी कैसे ले लेगा। मतलब मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, आप जब कोई सपना या कोई ड्रीम पैदा करते हैं तो हमारा एटमॉस्फेयर, हमारा आसपास का जो वातावरण है उस सपनों को बड़ा करने से हमें रोक देता है। मतलब कि वो लोग हमारे ड्रीम को छोटा कर देते हैं या हमारे ड्रीम को बड़ा नहीं बनने देते, और या हम ऐसा मानते हैं कि हम बड़ा कर सकते हैं तो वो हमारे सपनों को तोड़ के हमारे हाथ में पकड़ा देते हैं। और इसी कारण से आप में से और हम में से 70-80% आदमी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने से रुक जाते हैं, अपने ड्रीम पूरे करने से रुक जाते हैं, अपने कमिटमेंट से रुक जाते हैं। और करना हो कितनी बड़ी बात बोल रहा हूं, मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को, हेलो, बोर तो नहीं हो रहे, सही आ रही है सर, सही आ रही। मैं एक्चुअली एक बार शाहरुख खान का इंटरव्यू देख रहा था, शाहरुख खान की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी। जब वो इंडस्ट्री में आए थे तो उनसे किसी ने पूछा कि यार इंडस्ट्री में इतना संघर्ष है, आप कैसे आगे बढ़ोगे, कैसे बड़े बनोगे, तो शाहरुख खान ने जवाब दिया था कि मेरी कंपटीशन, मेरी लड़ाई किसी और से नहीं है, मेरी लड़ाई मेरी खुद से, मुझे बड़ा बनना है, मुझे अपने आप को प्रूफ करना है। मैं न किसी से लड़ने आया हूं, न किसी के साथ कॉम्पिटिशन करने आया हूं, न मैं अपने आप को कुछ चीज बताने आया हूं, मैं सिर्फ ये बताने आया हूं कि मैं शाहरुख खान और बड़ा कर सकता हूं और मैं स्टार बनूंगा। देखिए कितनी बड़ी बात है, एक सोच क्या थी कि शाहरुख खान को बड़ा बनना था, उनकी लड़ाई किसी और से नहीं थी, खुद से थी। हमारी जिंदगी का प्रॉब्लम क्या होता है मेरे दोस्तों, हमारी सोच, हमारी लड़ाई हमसे नहीं होती, लोगों से होती है। गौर करना, और जिस दिन आपकी लड़ाई आपसे हो गई उस दिन आप बड़े बन जाओगे। आपको सबसे पहले किसी और को प्रूफ नहीं करना, खुद को प्रूफ करना है कि यू आर ए स्टार। आपसे बड़ा कोई नहीं हो सकता, आपसे बेहतर कोई नहीं हो सकता, आप बहुत आगे जा सकते हैं। एग्जाम्पल है गजब के, हमेशा याद रखिए, आप अपनी सोच को इतना पॉजिटिव कर दो कि आपको कोई रोक नहीं सकता। अब तरीके नहीं है, सबसे बड़ी बात है तरीके नहीं है, पुराने तरीकों पे हम काम करेंगे बड़े बन नहीं सकते। अब वो चीजें क्या है उसको हम समझेंगे आगे, हम बिल्कुल एग्जैक्टली हमारे दिमाग पर बिठाएंगे। और ये दोस्तों, ये जिंदगी मेरी अकेली की बात नहीं है, कहानी हम सबकी है, हम सबकी जिंदगी के अंदर प्रॉब्लम और चैलेंजेस चल रहे हैं। हम सबको बहुत बड़ा करना है, हमारे ड्रीम बहुत बड़े बड़े हैं, हम बहुत आगे जाना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी एक सोच, हमारा एक विचार, हमारा एक थॉट हमें रोक देता है। वो इसलिए रोक देता है क्योंकि यहाँ का जो कमांड है वो हिल जाता है। एक महीना कमिटमेंट होगा, दूसरे महीना ढीला, तीसरे महीने कमिटमेंट होगा, चौथे महीने ढीला, और यही कारण से, इसी कारण से हम लोग आगे नहीं बढ़ पाते या अपने सपनों तक नहीं पहुंच पाते। हेलो, पहली चीज जिस पर हम डिस्कशन करने वाले हैं दोस्तों, सिमिलर थॉट मेरी फैमिली में था, मेरे फादर ने इस बिजनेस को स्टार्ट किया, एंड आप लोगों को बताते हैं, मुझे शर्म नहीं आती, हर बार मीटिंग में बोलता हूं कि मेरी छोटी सी उम्र मेरे फादर ने कचोरी बेच के अपनी एजुकेशन कंप्लीट करी। बहुत गरीब परिवार से हम लोग निकले, और ये कहानी मेरी नहीं है, ये कहानी हम सबकी है, आपकी है, मेरी, हम सबकी है। छोटी से परिवार से मतलब मेरे फादर निकले, और मेरे दादाजी मजदूर हुआ करते थे, हमारे पास कुछ भी नहीं था, लेकिन मेरे फादर ने छोटी सी उम्र के अंदर संघर्ष करते करते अपना एजुकेशन कंप्लीट किया। अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि हर आदमी की कहानी है, आपकी भी है। अब या तो उस कहानी को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लो और कमिटमेंट करके आगे बढ़ जाओ, या हार मान जाओ। हार मानना बहुत आसान काम है, थकना बहुत आसान काम है, और जिंदगी बार बार मौके भी नहीं देती यार ना, अपॉर्चुनिटी बार बार जिंदगी में नहीं आएगी, अगर आ गई है तो पहचान लो। सिमिलर थॉट मेरे फादर के साथ था, संघर्ष करते करते एजुकेशन कंप्लीट किया, छोटी सी उम्र में उन्होंने
वो काम किए जो एक बच्चा नहीं करता। बच्चों के सपने होते हैं खिलौनों से खेलना, एंजॉय करना। लेकिन मेरे फादर ने छोटी सी उम्र में कचोरी बेची, कचोरी बेच के उन्होंने अपना एजुकेशन कंप्लीट किया, उसके बाद उन्होंने अपना कॉलेज कंप्लीट किया। कॉलेज कंप्लीट करते ही मेरे फादर राजस्थान गवर्नमेंट के अंदर जॉइंट डायरेक्टर बन गए, इक्विवेलेंट टू आईएएस ऑफिसर। सन 2000 में मेरे फादर की एक महीने की सैलरी हुआ करती थी 25,000 रुपया महीना। मैं बात कर रहा हूँ 2000 की, सन 2000 की। सन 2000 में मेरे फादर को सैलरी मिलती थी 25,000 रुपया महीना, वो भी सरकारी नौकरी, सरकारी गाड़ी, सरकारी बंगला, सब कुछ था। जिंदगी बदल गई, सरकारी नौकरी मिल गए। अब देखो गौर करने वाली बात यहां पर क्या आती है कि इंसान का प्रॉब्लम क्या है, एक आम आदमी का प्रॉब्लम क्या है कि वो अपने सपनों से, अपने ड्रीम से थोड़ा सा ऊपर पहुंच जाता है तो वहां पर अपनी सोच को बदल लेता है, अपने तरीकों को बदल लेता है। और ये बहुत खतरनाक है, ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। मैंने महसूस किया हमेशा कि एक आम आदमी की सोच क्या होती है कि जब वो जिंदगी के किस पहलू पर पहुंचता है। जैसे मान लेते हैं कि आप महीने का 5,000 कमा रहे हैं और आप 50,000 पे पहुंच गए। गौर करना मैं क्या बोल रहा हूँ, आप महीने का 5,000 कमा रहे हैं और 50,000 पे पहुंच गए, तो हम क्या करते हैं 50,000 पे पहुंच के हम ये सोचते हैं कि हमने बहुत बड़ा कर लिया, हमने इतिहास बना दिया, हमने ये कर दिया, 50,000 कमा लिया, गजब कर दिया, मेरे गांव में सबसे ज्यादा मैं कमाता हूं, मैंने मकान बना लिया, मेरे बच्चों की फीस जा रही है, मेरी स्कूल जा रही है, अच्छी खासी वो बच्चों की एजुकेशन हो रही है, मेरे घर का किराया जा रहा है, इंस्टॉलमेंट जा रही है, गाड़ी ले ली। मतलब एक थॉट, एक विचार हम तैयार कर देते हैं, कारण क्योंकि हम 5,000 से 50,000 के ऊपर आ जाते हैं और 50,000 पे आते ही हम सब ऐसा समझने लग जाता है कि हमसे बड़ा कोई नहीं है। और ये हिंदुस्तान का 80% आदमी का प्रॉब्लम है, आपका भी और मेरा भी है। हमारी सोच से ज्यादा अगर हमारी इनकम हो गई तो हम सोचते हैं हमसे बड़ा कोई नहीं। और यही कारण है, यही रीजन है कि आप में से 80% आदमी अपनी जिंदगी में उससे बड़ा कर सकता था पर नहीं कर पा रहा। कारण सेटिस्फाई, सेटिस्फेक्शन लेवल क्लियर है, हो गया। अब यहां पर गौर करने वाली बात देखिए, मेरे फादर एक मजदूर के बेटे थे और वो सरकारी अधिकारी बन गए, 25,000 रुपया महीना कमाने लग गए, सरकारी गाड़ी, सरकारी बंगला मिल गया, उसके बाद भी उन्होंने आरसीएम क्यों किया? सोच कर देखना मेरे दोस्तों, क्यों किया उन्होंने आरसीएम? क्या जरूरत थी उनको आरसीएम करने की? अच्छा एक बार को बात बताओ, 25,000 रुपया मेरे फादर कमा रहे थे, रवि शर्मा कमा रहा था क्या? ओके, आप महीने का 50,000 कमा रहे हैं, आपका बेटा कमा रहा है क्या? गौर करना मेरी बात को। अच्छा चलो ठीक है, नहीं कमा रहा, आप कमा रहे 50,000 रुपया महीना, आपका बेटा नहीं कमा रहा। आप में से कितने लोग मुझे गारंटी देते हैं कि आपका बेटा भविष्य में 50,000 कमा लेगा क्या? हेलो, अब सोचने वाली बात यहां पर है कि 2022 के अंदर आप महीने का 1,00,000 रुपया कमा रहे हैं, 20,000 कमा रहे हैं, 25,000 कमा रहे हैं, 50,000 कमा रहे हैं, लेकिन 2030, 2035 के अंदर जब महंगाई बढ़ेगी, कंपटीशन बढ़ेगा, चैलेंजेस बढ़ेंगे, उस समय जितना आप कमा रहे हैं क्या आपका बेटा कमा लेगा क्या? इसकी कोई गारंटी दे सकता है आप में से मेरे को कोई? अच्छा चलो आप बोल रहे हैं नो सर नहीं कमाएगा। अब मुझे बताइए, जब आप 2020-22 के अंदर 25,000 कमा रहे हैं, 50,000 कमा रहे हैं और 2030-2035 के अंदर वो इतना भी नहीं कमा पाएगा तो वो क्या करेगा और कैसे सरवाइव करेगा और कैसे अपने बच्चों को संभालेगा, अपने परिवार को संभालेगा? मुझे बताइए, कोई तरीका है आपके पास, कोई रास्ता है आपके पास? गौर करने वाली बात है, समझने वाली बात है। हेलो, आपका बेटा अगर इंडिया का टॉपर भी बन जाए ना, उसके बाद भी नहीं कमा पाएगा, याद रखना ये मेरी बात। कारण इस दुनिया में आज की तारीख के अंदर डिग्रियां नहीं चलती है, बताने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को सब समझते हैं। अब समझने वाली बात यहां पर है कि जहां आज हमें 2022 में संघर्ष करना पड़ रहा है तो 2030-35 में संघर्ष कम नहीं होगा, ज्यादा होगा। और आज आप लोगों को टेंशन करनी पड़ेगी, सोचना पड़ेगा, अपने विजन, अपने थॉट्स को बदलना पड़ेगा कि तरीका क्या है हम लोगों के पास। और ये कड़वा सत्य है मेरे दोस्तों कि इस समय दुनिया की, पूरे वर्ल्ड की, हिंदुस्तान की परिस्थितियां बेहतर नहीं हो रही है, बिगड़ रही है और ये बिगड़ेगी। महंगाई कम नहीं हो रही है, बढ़ेगी। चैलेंजेस कम नहीं हो रहे हैं,
बढ़ेंगे, जनसंख्या कम नहीं होगी, बढ़ेगी, इनकम हमेशा वही की वही रहेगी, डाउन होगी, लेकिन संघर्ष और कंपटीशन को आप रोक नहीं सकते, इनकम को हम बढ़ा नहीं सकते, और यही कारण से हमारे में से मैक्सिमम परिवार आने वाले समय के अंदर धीरे धीरे और खत्म होते चले जाएंगे। एक समय हुआ करता था जब ज्वाइंट फैमिली हुआ करती थी, एक समय हो गया है कि आज की तारीख में दो बच्चों का पेट पालना भी मुश्किल हो रहा है। परिवार क्यों टूटे? टूटना नहीं चाहते थे, एक ही कारण था, इनकम नहीं थी। एक बाप के पांच बच्चे एक घर में रहा करते थे अपनी वाइफ के साथ, अपने बच्चों के साथ, लेकिन किसी के पास इनकम थी, किसी के पास इनकम नहीं थी, इस कारण से बिखर गए। सारा खेल पैसों का है, इनकम का है दोस्तों, और ये समझना पड़ेगा आप लोगों को, ये परिवार धीरे धीरे आने वाले समय में खत्म हो जाएंगे। ज्वाइंट फैमिलियां खत्म हो रही है, हमारे अपने हमसे दूर हो रहे हैं, रीजन इज हमारे पास इनकम सोर्स नहीं है, क्योंकि हमारी मेंटेलिटी के अंदर वही चीज डाली गई जो हमारे पूर्वज किया करते थे। एग्जाम्पल देना चाहूंगा, अगर मेरे दादाजी, मेरे पिताजी नौकरी करते थे तो मुझे नौकरी सिखाई, मेरे दादाजी व्यापार करते थे मुझे व्यापार सिखाया, मेरे पूर्वज खेती करते थे मुझे खेती सिखाई, उन्होंने वो काम हमें सिखाया जो वो करते थे। अब मैं हमेशा एक मीटिंग में एक बात बोला करता हूं, अगर उन कामों से वो बड़े नहीं बन सके तो क्या हम बन जाएंगे क्या? और अगर हम नहीं बन सके तो क्या हमारे बच्चे बन जाएंगे क्या? समझने वाली बात है, गौर करने वाली बात है। जब वो लोग ही करोड़पति नहीं बन सके तो हम कैसे बन जाएंगे मेरे दोस्तों, और हम नहीं बन पाए तो हमारा बच्चा कैसे बन जाएगा? मतलब पुराने तरीकों में जब तक आप परिवर्तन लेकर नहीं आओगे आप बड़ा नहीं बन सकते, और उस परिवर्तन का नाम है RCM, जो आपको बड़ा भी बनाएगा और महान भी बनाएगा। कैलकुलेशन करके देख लेना, कारण बता देता हूं, कारण बता देता हूं, सुन लो। कारण, पहला कारण, सबसे महत्वपूर्ण कारण जो मुझे अच्छा लगता है, RCM दुनिया की पहली कंपनी है जो कभी भी किसी से ये नहीं पूछती कि तू कितना पढ़ा लिखा है, तू किस समाज का है, तू किस गांव का है, तू इंसान है, तू औरत है या तू आदमी है, तू लड़की है या तू लड़का है, ये कभी भी नहीं पूछती। RCM इंडिया की पहली कंपनी है, सिर्फ एक बात पूछती है कि अगर आप तू कपड़े पहनता है और राशन खाता है तो तू लखपति बन सकता है, करोड़पति बन सकता है। गौर करना कितनी बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी चीज है, समझने वाली बात है दोस्तों, गौर करना मेरी इस बात को। नए लोग, पुराने लोग, दुनिया के अंदर हर फील्ड में उसकी एजुकेशन, क्वालिफिकेशन और अनुभव के हिसाब से उसको सैलरी दी जाती है। डॉक्टर है 50,000, इंजीनियर है 20,000, बाबू है 12,000, चपड़ासी है 10,000। हमारी कैलकुलेशन हमारे अनुभव या हमारी डिग्री के हिसाब से की जाती है, कितनी बड़ी चीज है। और RCM क्या बोलता है, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, आपका ना अनुभव चाहिए ना आपका कोई डिग्री चाहिए, अगर आप कपड़े और राशन खाते हैं तो आप बड़े बन सकते हैं, अपने सपने पूरे कर सकते हैं। पहली चीज गौर करना आज रात को, आज सोचना कितनी बड़ी बात बोली मैंने आप लोगों को। आप इस बिजनेस, मैंने इस बिजनेस के अंदर रिक्शा चलाने वाले को करोड़पति बनते देखा है, मैंने इस बिजनेस में सब्जी बेचने वाले को करोड़पति बनते देखा है, मैंने इस बिजनेस में करोड़पति को करोड़पति बनते देखा है, मैंने इस बिजनेस में अच्छे खासे ऑफिसर को करोड़पति बनते देखा है, मैंने इस बिजनेस में सड़क पर घूमते फटे कपड़े में आदमी जो घूमता है उसको मैंने करोड़पति बनते देखा है। सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया का वो व्यापार जहां पे कभी भी किसी से कुछ नहीं पूछा जाता, उसके बाद भी अगर मौका दिया जाता कि लखपति बन सकता है तो सोचकर देखो, विदाउट इन्वेस्टमेंट के आपको व्यापार करने का मौका पूरे हिंदुस्तान में दिया जाता है, जबकि दुनिया के किसी भी फील्ड में चल जाना, पहले पैसा लगाओगे उसके बाद इनकम होगी, उसकी भी कोई गारंटी नहीं है होगी या नहीं होगी, लेकिन यहाँ पे आपको मौका दिया जाता है कि विदाउट इन्वेस्टमेंट के आप पूरे हिंदुस्तान में व्यापार कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, लाखों रुपया कमा सकते हैं। ये दो चीजें गौर करने वाली है, अगर पूरे इंडिया में घूम जाना, पूरे वर्ल्ड में घूम जाना, अगर आपको चीज कहीं मिल जाए तो हमें बता देना, और नहीं मिले तो हमारी सुन लेना, कुछ तो करो। अगर इसके अलावा आपके पास कोई रास्ता है तो हमें बता दो, हम कर लेंगे, और नहीं है तो हमारी सुन लो। हेलो, बोर तो नहीं हो रहे? मेरे फादर ने स्टार्ट किया, आज मेरे फादर इस दुनिया में नहीं है, और कहीं ना कहीं आज ये बिजनेस का एम्पायर उन्होंने खड़ा किया। लोगों ने मना किया, वो चलते रहे, लोगों ने हंसी उड़ाई, वो चलते रहे। मुझे आज भी याद है 25,000 रुपए कमाने वाले मेरे फादर, जिन्होंने अपनी सरकारी नौकरी को साइड में रख दिया और इस RCM के पीछे दौड़ना स्टार्ट किया। भैंसों के तबेले में जाकर सोया करते थे, दिन रात भागा करते थे,
और अक्सर मेरी मदर उनसे पूछा करती थी कि आप इस बिजनेस के पीछे इतने दीवाने क्यों हैं। तो मेरी फादर एक बात बोला करते थे, इस बिजनेस की सबसे बड़ी क्वालिटी है वो है नेटवर्किंग। अगर मैंने आज अपना नेटवर्क पूरे हिंदुस्तान में बिल्ड कर लिया तो याद रखना ओपी शर्मा एक नहीं दौड़ेगा, लाखों ओपी शर्मा दौड़ेंगे। क्या बोल रहा हूं मैं, हर दूसरा आदमी हर पहला आदमी ओपी शर्मा बन जाएगा। और ये इस बिजनेस की सबसे बड़ी क्वालिटी है। आप जहां से इस बिजनेस को चालू करके अपना नेटवर्क बिल्ड करते हैं, अगर आपका नाम रामलाल है तो आप रामलाल अकेले नहीं दौड़ते, पूरे हिंदुस्तान में जिनको ज्वाइन कराते हैं सब रामलाल बन जाते हैं। वो सब रामलाल बन जाते हैं क्योंकि वो काम करते हैं अपने लिए, पर पैसा आपको भी आता है। सिमिलर थॉट मेरे फादर का समझ में आ गया, वो चलते रहे दौड़ते रहे। और अक्सर वो मुझे मेरी फैमिली को बोला करते थे कि यार रवि, मेरी मदर को बोला करते थे कि ये बिजनेस में इसलिए नहीं कर रहा कि मेरे को पैसा कमाना है। इस बिजनेस की सबसे बड़ी क्वालिटी ये है, अगर आज मैंने इसको पे बिल्ड कर लिया, इस पे काम कर लिया, क्या काम किया, गौर से सुनना, रॉयल्टी और टेक्निकल, 3 से 5 साल अगर आप लोग इस बिजनेस में भूत बन गए, क्या बन गए, मैं क्या बोला, भूत, इस बिजनेस के भूत बन गए ना, भूत मतलब रात को सोना मत। मैं आपको बता देता हूं, 1200 किलोमीटर ड्राइव करके आ रहा हूं मैं इस समय, 1200 किलोमीटर की, बाड़मेर चोटन से मीटिंग करके आ रहा हूं मैं, और आते आपके सामने बैठ गया हूं, भूत हूं मैं इस बिजनेस का, पागल भूत। मेरे को चैन नहीं आता, मुझे नींद नहीं आती, क्योंकि मेरा सपना स्टार डायमंड नहीं है, इससे आगे जाना है, अभी लक्ष्य बहुत बड़ा है। भूत बन जाओ, बिल्कुल इस बिजनेस के भूत बन जाओ, रॉयल्टी और टेक्निकल 2 से 5 साल जब तक मैं नहीं निकाल लेता मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूं। अच्छा, आप जब रॉयल्टी और टेक्निकल में भागेंगे फायदा किसको होगा, आरसीएम को, पड़ोसी को, रिश्तेदारों को, नेवर, आपको। और जैसे ही आपका बिजनेस रॉयल्टी और टेक्निकल का आ जाएगा, 3 से 5 साल अगर आपने उसको मेंटेन कर लिया, आपका बिजनेस आएगा ऑटो मोड पे। ऑटो मोड मतलब आप काम करो या ना करो, धीरे धीरे नीचे लोग आपके डेवलप होना स्टार्ट हो जाएंगे और वो अपने बिजनेस को खींचना स्टार्ट कर देंगे। दैट्स कॉल्ड ए सिक्योरिटी। और ये इस बिजनेस की सबसे बड़ी ताकत है। मेरे पिताजी बोला करते थे, एक जमाना ऐसा आएगा कि ना आएगा कोई और, पैसा आपको आएगा, कपड़े कोई और धोएगा, पैसा आपको आएगा, साबुन कोई और लगाएगा, पैसा आपको आएगा, तेल कोई और खाएगा, पैसा आपको आएगा। और वो हो रहा है, और ये आपके साथ भी होगा। सिर्फ आपको भूत बनना है, सिर्फ कुछ समय के लिए 3 से 5 साल अपने सपनों को, अपने ड्रीम्स को जिंदा कर लो और कमिटमेंट के साथ उतर जाओ इस बिजनेस के अंदर। जो भी रोके, रुकना नहीं है, जो भी थकाए, थकना नहीं है, कोई नेगेटिव भी करे, होना नहीं है, कारण अनुभव हमारा भी है दोस्तों, हमने भी इस बिजनेस को समय दिया है, टाइम दिया है, और वो टाइम और वो एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहे हैं। हेलो, मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही है, बोर तो नहीं हो रहे आप लोग, कोई जवाब देगा मेरे को, ऐसा लग रहा है मैं अपने से बातें कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच। देखिए दोस्तों, लड़ाई किस चीज की है इस दुनिया में, लड़ाई किस चीज की है, गद्दी सीट की। कोई अपनी सीट नहीं छोड़ना चाहता, कोई अपनी गद्दी नहीं छोड़ना चाहता। हेलो, आज किसी फिल्म स्टार को बोलो अपनी गद्दी छोड़ दे, छोड़ेगा क्या? किसी राजनेता से पूछो अपनी गद्दी छोड़ दो, छोड़ेगा क्या? अरे मेरे दोस्तों, इस पूरी दुनिया में लड़ाई सिर्फ गद्दी की है। अरे आपका गांव का सरपंच भी अपनी गद्दी नहीं छोड़ना चाहेगा। लड़ाई किसकी है? सीट की। ये जो गद्दी देख रहे हैं ना आप, ये सीट जिस पर मैं बैठा हूं, इसकी लड़ाई है। इसको कोई छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन ये आरसीएम ऐसा पहला व्यापार है, हम अपनी गद्दी छोड़ने को तैयार हैं। आप आओ तो सही, आप लो तो सही, हम तैयार हैं, हम चाहते हैं कि आप हमारी गद्दी पर बैठो। दैट्स द पावर ऑफ द आरसीएम बिजनेस नेटवर्किंग की। यहां पर इस बिजनेस की सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है कि नीचे वाले की सफलता हम पहले देखते हैं। और आप कभी भी गौर करना, यहां पर सिर्फ एक ही चीज सिखाई जाती है, तू रॉयल्टी पर कब आएगा, तू टेक्निकल पर कब आएगा, तेरे घर में खुशियां कब आएगी। सेलिब्रेशन मैं करूंगा, इंजॉय मैं करूंगा, पूरी टीम के अंदर मिठाई मैं बांटूंगा। ये कितनी बड़ी बात है समझने वाली, कलयुग के इस दौर के अंदर जहां पर भाई भाई को पसंद नहीं करता, वहां पर आपके टीम के अपलाइन आपके घर में खुशियां लाने के लिए पसीना बहाती है। लेकिन आपको समझना पड़ेगा, कमिटमेंट करना पड़ेगा। मैं फिर बोल देता हूँ, लड़ाई आपकी आपसे, किसी और से नहीं है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरी मीटिंग कौन सुन रहा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे विचार कौन ले रहा है, मुझे फर्क यह पड़ता है कि जो मेरे सामने बैठा है उसका कमिटमेंट कितना बड़ा है। इसलिए पहला काम, अपने कमिटमेंट को कभी लूज मत होने देना। सिमिलर थॉट फादर, आज मेरे फादर नहीं है, बिजनेस मेरे पास आया। मेरे फादर अक्सर एक बात
बोला करते थे और उन्होंने एक चीज बहुत अच्छी बोली, मैं हमेशा अपनी मीटिंग में बोलता हूँ, मेरे फादर ने एक बात बोली थी, अगर ओपी शर्मा अपनी जिंदगी की शुरुआत 500 रुपए से करके 25,000 पे पहुंच सकता है तो ये ओपी शर्मा 25 लाख भी कमा सकता है। कितनी बड़ी बात बोली उन्होंने, कितनी बड़ी बात बोली उन्होंने। उन्होंने अपने मेंटल लॉक को खोला और खोलकर उन्होंने बोला अगर मैं 25,000 रुपया सरकारी नौकरी में कमा सकता हूं तो मतलब मैं 25 लाख भी कमा सकता हूं। और यही विचार आज आपको रखने हैं, यही थॉट आज आपको रखने हैं और इसी के साथ आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है मेरे भाइयों। सिर्फ रोकेगा कौन आपको? खुद। मैं फिर बोल देता हूं, कोई नहीं रोक सकता आपको, आप खुद रोकोगे, आप खुद रोकोगे। डायरी में लिख लेना मेरी ये बात, कोई नेगेटिव नहीं कर सकता आपको, आप खुद अपने आप को नेगेटिव करोगे। अरे होते कौन है नेगेटिव करने वाले, हमारे को दूसरे मेरे भाई, सपने मेरे हैं, ड्रीम मेरे हैं। इसलिए आज 1,000 लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं इस मीटिंग में, अपने आप को पहचानना, पड़ोसी को कोनी मत मारना, पड़ोसी करे ना करे परवाह मत करना, कोई सुने ना सुने परवाह मत करना, लेकिन मेरे सामने बैठा रामलाल श्यामलाल जो भी है आज एक विश्वास यहां से लेकर जाना, अगर रवि शर्मा इस बिजनेस के अंदर स्टार डायमंड बन सकता है और रवि शर्मा लाखों रुपया कमा सकता है, राकेश शर्मा कमा सकते हैं, प्रमोद सर कमा सकते हैं, यहां पर बैठे जैसे हमारे चाचा जी कमा सकते हैं, मैं सबके नाम नहीं चाहता, माफी चाहूंगा जितने हमारे अचीवर है, इसका मतलब आपका भविष्य भी सुनहरा है, आप भी कमा सकते हैं क्योंकि इन सब ने शुरुआत जीरो से करी थी। राकेश शर्मा की स्टोरी आपको पता है, प्रमोद सर की स्टोरी आपको पता है, चाचा जी की स्टोरी आपको पता है, ये सब लोग वो लोग हैं जिन्होंने जमीन से खड़े होकर अपने आप को प्रूफ करके दिखाया और ऐसे लोग आपके साथ खड़े हैं जो आपकी जिंदगी में खुशियां लाना चाहते हैं। सिर्फ अगर कोई रोकेगा तो आप खुद अपने आप को रोकोगे, मैं बार बार बोल रहा हूं, आप खुद अपने आप को रोकोगे। रोकना मत, डरना मत, हारना मत। 3 से 5 साल ये वो समय है जो ऊपर वाला भगवान आपका इम्तिहान लेगा कि तू करोड़पति बन सकता है नहीं बन सकता। इस समय को आप पहचान लेना और हमेशा लगातार टिक कर काम करते रहना मेरे दोस्तों, क्योंकि दुनिया चमत्कार को नमस्कार करती है, नमस्कार करोगे चमत्कार कभी नहीं होगा, याद रखना मेरी इस बात को। हेलो, आगे बढ़ते हैं, मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? हेलो, ग्रेट, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कुछ नहीं करना आपको, आरसीएम का टोटल बंबू खड़ा हुआ है 4 पिलर्स के ऊपर। पिलर्स कौन से हैं? पहला, खुद का कमिटमेंट लेवल स्ट्रांग रखना, कभी हार मत मानना कि मैं नहीं कर सकता। पहला काम, डायरी में नोट करना, एक कमिटमेंट अपने आप से कर लो, मैं रामलाल श्यामलाल सीता गीता जो भी मेरे सामने बैठे हैं अपना नाम लिखिए और अपनी डायरी में लिखिए कि मैं रामलाल आज अपने आप से वादा करता हूं कि 5 साल तक इस बिजनेस में दिन रात एक कर दूंगा, इस बिजनेस का भूत बन जाऊंगा, अपने सपनों को टूटने नहीं दूंगा, अगर कोई मुझे रोकता है तो मैं रुकूंगा नहीं, क्योंकि भविष्य मेरा है, सपने मेरे हैं, परिवार मेरा है, बच्चे मेरे हैं। अगर रवि शर्मा इस बिजनेस के अंदर लाखों रुपया कमा सकता है तो मैं रामलाल भी रवि शर्मा बन सकता हूं, अपनी डायरी में लिख लेना। हेलो, मेरे कोई सींग नहीं है, मेरे कोई 4 हाथ नहीं है, मेरे पापा के भी नहीं थे, लेकिन भूत थे हम लोग, सपने थे हमारे बहुत बड़े और आज भी जिंदा है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी हेयर स्टाइल क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका कलर क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कैसे कपड़े पहने हैं, एक फर्क पड़ता है, भूत बन जाना, इस बिजनेस का भूत बन जाना। अपनी डायरी में लिख लेना कि मैं रामलाल श्यामलाल सीता गीता जो भी मेरे सामने बैठे हैं मुझे अब कोई रोक नहीं सकता 5 साल के लिए, क्योंकि मैंने अपने आप से वादा किया है कि एक दिन मुझे भी राकेश सर बनना है, मुझे भी एक दिन प्रमोद जी बनना है और मुझे एक दिन रवि शर्मा बनना है। अपनी डायरी में लिख लेना और 5 साल तक मैं जब तक रॉयल्टी और टेक्निकल नहीं लूंगा मैं सोने वाला नहीं हूं। अच्छा सुन लो, सो भी जाओगे नुकसान अपना करोगे। 20 साल पहले आरसीएम चली थी, लोग बोलते थे नहीं चलेगी नहीं चलेगी, 22 साल हो गए अभी भी कुछ ज्ञान नहीं है, बोलते हैं नहीं चलेगी नहीं चलेगी, फिर चलती कैसे? मेरी कॉलोनी के अंदर जो ज्ञानी थे वो आज भी स्कूटर पर है, मोटरसाइकिल पर है, मैं कार में हूं। फर्क इतना सा है, जितनी उनकी मोटरसाइकिल की कीमत है उतनी मेरी कार का टायर आता है, बिकॉज ऑफ आरसीएम। मेरे में क्वालिटी नहीं है, मेरे पापा में भी नहीं थी, सिस्टम में थी। जब सिस्टम आपके पीछे पड़ता है ना तो आपको ऊंचाइयों पर ले जाता है, और जब सिस्टम आपके पीछे पड़ता है तो आपको बर्बाद भी कर देता है। मैं हमेशा एक बात बोला करता हूं मीटिंग में, हम शेविंग यहां करते हैं, यहां क्यों नहीं करते? बाल तो यहां पर भी है। सिस्टम हमें बचपन से सिखाया गया कि शेविंग यही कर जाती है, दाढ़ी यही बनाई जाती है, इसलिए हम शेविंग यहां करते हैं, दैट्स कॉल्ड अ सिस्टम। सिस्टम को फॉलो करते हुए अगर आप लोग, अब सिस्टम कौन सिखाएगा आपको? आपकी अपलाइन।
अब अपलाइन कौन है जो आपको बिजनेस में लेके आई? या तो अपलाइन के साथ ज्वाइन करके छोड़ दो या उसको फॉलो कर लो, उसके बाद करूंगा हम आगे आगे बढ़ते हैं। बोर तो नहीं हो रहे आप लोग? हेलो, थैंक यू, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब सेकंड पॉइंट, पहला पॉइंट था आपका खुद पर बिलीव लेवल, मैंने लिखवा दिया डायरी के अंदर। क्या लिखवाया? मैं रामलाल श्यामलाल, जो भी आपका नाम है अपना नाम लिखिए, कमिटमेंट कीजिए कि 5 साल तक मुझे कोई रोक नहीं सकता, मैं अपने बिलीव लेवल को कभी टूटने नहीं दूंगा, टारगेट मंथ में काम करूंगा लगातार जब तक इस बिजनेस का भूत ना बन जाऊं और रॉयल्टी और टेक्निकल ना निकाल लूं, मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूं। और अगर कमिटमेंट नहीं करोगे, याद रखना अगली मीटिंग में कोई ना कोई आएगा और कोई ना कोई स्टार बन जाएगा। ये तो चलती नाव है, ये तो चलता हवाई जहाज है, ये तो चलती ट्रेन है, कोई रोक नहीं सकता इसको। सेकंड पॉइंट नोट कीजिए, सेकंड पॉइंट सिस्टम के बाद, सॉरी, अपने आप पर बिलीव करने के बाद आपको सिस्टम पर बिलीव करना। सिस्टम क्या? कंपनी। गौर करना कितनी बड़ी बात समझा रहा हूं। इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी है आरसीएम। हिंदुस्तान ही नहीं, विश्व की सबसे बड़ी कंपनी मानता हूं जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे वर्ल्ड में डायरेक्ट सेलिंग में सबसे ज्यादा मजबूत है। यह पहली कंपनी है जो 70-80% प्रोडक्ट खुद मैन्युफैक्चर कर रही है। गौर करना, खुद मैन्युफैक्चर कर रही है, कितनी बड़ी बात है। इतना बड़ा मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर आपके साथ खड़ा है। मेरे फादर ने चालू किया था, राकेश सर ने चालू किया था, उस समय एक प्रोडक्ट हुआ करता था, एक पैंट पीस हुआ करता था। इन लोगों ने एक पैंट पीस को दिखा दिखा के मुझे आज भी याद है एक पैंट पीस को दिखा दिखा के मेरे फादर ने एक अपना जो चैट था, 1 साल बाद 1,27,000 रुपया करा था, 1,27,000 का सिर्फ एक पैंट पीस से। हेलो, सिर्फ एक पैंट पीस से 1 साल बाद मेरे फादर का चेक था 1,27,000 रुपए का। गौर करने वाली बात यहां पर क्या है? गौर करने वाली बात यहां पर यह है, आज हमारे पास कितने प्रोडक्ट हैं? 500, 50, 20, 10, 5, 4, 1। कैलकुलेशन करते हैं तो हमारे पास 500 प्रोडक्ट है। लेकिन मैं फिर भी मानकर चलता हूं कि अगर आपने ईमानदारी से 10 से 15 प्रोडक्ट के ऊपर काम कर लिया, आप अपने चेक को कई गुना बड़ा कर सकते हैं। तो कंपनी के सिस्टम पर कभी शक मत करना, ये सिस्टम आपको बहुत बड़ा बना देगा, महान बना देगा। थर्ड पॉइंट, मैं तीसरे पॉइंट पे बात करता हूं। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, लगातार प्रोडक्ट को काम में लेना। गौर करना, लगातार प्रोडक्ट को काम, कसम खा लो अगर घर में नमक खत्म हो गया और पिकअप सेंटर 10 किलोमीटर दूर है, मैं लेकर आऊंगा पर दूसरा सामान काम में नहीं लूंगा। मुझे नहीं पता कि आपकी टीम पे क्या टारगेट है, लेकिन इतना सा कहना चाहूंगा, 1 से लेकर 10 तारीख तक अगर आपने 5,000 बिजनेस वॉल्यूम पर फोकस कर लिया और अपनी टीम को सिखा दिया, आपको इस बिजनेस में स्टार बनने से कोई नहीं रोक सकता। सिर्फ आपको प्रोडक्ट्स को लगातार काम में लेना है। मेरे दोस्तों, इस प्रोडक्ट की इतनी ताकत है, प्रोडक्ट क्या चीज है मैं समझाना चाहता हूं। अरे जब एक अमिताभ बच्चन जी ठंडा ठंडा कूल कूल बेच करोड़पति बन सकते हैं, शाहरुख खान क्या बेचता है? प्रोडक्ट। टीवी पर क्या बिकते हैं एडवर्टीजमेंट में? प्रोडक्ट। ताकत किसकी है? प्रोडक्ट की। दोस्तों, प्रोडक्ट बेच बेच के लोग करोड़पति बन गए, अरबपति बन गए। सलमान खान टीवी पे क्या बेच रहा है? प्रोडक्ट। शाहरुख खान क्या बेच रहा है? प्रोडक्ट। आप कभी भी टीवी देखिए, कोई ना कोई सुपरस्टार या स्टार बेचेगा क्या? प्रोडक्ट, सामान। और वही सामान जिनको बेच बेच के लोग करोड़पति बन गए, उस सामान की ताकत को पहचान लो। और वो ताकत है आरसीएम की। 5,000 बिजनेस वॉल्यूम को अपनी जिंदगी में उतार लेना, अपने दिमाग पर सेट कर लेना और अपनी टीम को सिखा देना। मर जाऊंगा पर 5,000 नहीं छोड़ूंगा। 1 से लेकर 10 तारीख तक हमें डायमंड क्लब को कंप्लीट करना ही करना है। अगर यह आपने सीख लिया और अपनी टीम को सिखा दिया, 5 साल बाद रिजल्ट आपके हाथ में होगा। लेकिन करना पड़ेगा। कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए, दोनों सेम होने चाहिए, दोनों सेम होने चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? हेलो, इसलिए प्रोडक्ट्स को लगातार काम में ले लीजिए। दोस्तों, मैं मंत्र दे रहा हूं, मैं आपके अंदर मंत्र भर रहा हूं, आप में एनर्जी भर रहा हूं। नहीं करोगे, नुकसान अपना करोगे, मेरा नहीं करोगे, राकेश जी का नहीं करोगे, किसी और का नहीं करोगे, खुद का करोगे। और ये ताकत, ये पावर अपने बिजनेस को बड़ा करने के लिए नहीं लगा रहा, आपके बिजनेस को बड़ा करने के लिए लगा रहा हूं। हेलो, अपना बिजनेस ऑलरेडी दौड़ रहा है। बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है मेरे को आप लोगों को कि 1 तारीख को जब वापिस से मार्च का महीना स्टार्ट हुआ था, तो मुझे याद है शाम को, आपके हिसाब से क्या बिजनेस होना चाहिए मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन शाम को मेरा बिजनेस, क्या बोलूं आप लोगों को, आपको शायद नींद नहीं आएगी रात को। सफायर का बिजनेस कितना होता है?
दस करोड़ गुरु जी, 10 करोड़ सर हो चुका था शाम को। क्या बात है, एक दिन का बोल रहा हूं मैं। क्या बात है गुरुदेव, दिस इज द पावर ऑफ नेटवर्किंग, यही समझा रहा हूँ आप लोगों को। अच्छा ये मैं, आप सोचिए कि मेरा 10 करोड़ हुआ तो किसी ने किसी का 2 करोड़ भी हुआ होगा, किसी का 1 करोड़ भी हुआ होगा, किसी का 50 लाख भी हुआ होगा। हुआ किसका? टीम का, जिन्होंने काम किया। ये भविष्य आपका इंतजार कर रहा है, समझने आप। एक दिन लोग आपके लिए काम करेंगे और आप घर बैठे बैठे इतना पैसा कमाओगे जो कल्पना से भी परे है। ये बिजनेस 1 महीने का नहीं है, ये बिजनेस 1 साल का नहीं है, ये बिजनेस 1 पीढ़ी का नहीं है, ये बिजनेस 5 पीढ़ियों का है। कितनी भी पीढ़ियां निकाल देना, धंधा खत्म होने वाला नहीं है। जब तक धरती पर इंसान रहेंगे पैसा तो आना ही आना है। अब सोच लो ऐसा बिजनेस का मिलेगा। थर्ड वन, प्रोडक्ट्स को लगातार काम में लेना और अपनी टीम को सिखाना। टीम को सिखाना महत्वपूर्ण है मेरे भाइयों। आपको कुछ भी नहीं करना, अपनी टीम के साथ प्रोडक्ट्स की चर्चा कीजिए, बात कीजिए, डायरी में नोट कीजिए। देखिए फोकस करोगे वो चीज बड़ी हो जाएगी। आपको सिर्फ अपनी टीम के साथ इसको फोकस करना है। इस बिजनेस की सबसे बड़ी क्वालिटी है नकल करना। कितनी बड़ी बात है कि आपको सिर्फ नकल करनी है, सिर्फ नकल करनी है, आपको कुछ नया नहीं करना है, हमें नकल करनी है। नेक्स्ट पॉइंट में चौथे पॉइंट की बात करता हूं। चौथा पॉइंट है दोस्तों, वो है लगातार अपनी एक्टिव और ग्रोइंग अप्लायंस से हमेशा टच में रहना। अब एक्टिव ग्रोइंग अप्लायंस कौन है? जिसने आपको बिजनेस ज्वाइन करवाया। मान लेते हैं कि जिसने आपको बिजनेस ज्वाइन करवाया, हफ्ते में कम से कम उससे आप 5 बार बात कीजिए, कम से कम 5 बार आप उसे फोन पर बात कीजिए। सर मुझे बेहतर करना है, मुझे बड़ा करना है, मुझे प्लानिंग बताइए, मैं होम मीटिंग कैसे करूं मुझे सिखाइए, मैंने घर पर मीटिंग रखी है, आप आइए मेरी मीटिंग लीजिए। ये काम हर आदमी को करना है। एक अचीवर अगर आप बन भी गए ना, याद रखना उसके बाद भी अपनी होम मीटिंग मत छोड़ना, मार्केटिंग प्लान दिखाना मत छोड़ना। जितना ज्यादा कॉपी पेन रगड़ोगे उतनी ज्यादा सफलता आएगी। इस बिजनेस की छोटी छोटी थ्योरी है, मैं बड़ी बड़ी बातें कभी नहीं करता इस बिजनेस में, मैं इसलिए नहीं करता। मैं आप लोगों से बोलूं, ये इंडस्ट्री 2025 में 65,000 करोड़ की होने वाली है। इंडस्ट्री तो हो जाएगी, हमारा क्या होगा? हमारा हिस्सा कितना होगा? हम कहां पर इस बिजनेस में आगे बढ़ेंगे? हमारा टर्नओवर कितना होगा? महत्वपूर्ण यह नहीं है कि इंडस्ट्री कितनी बड़ी होने वाली है, महत्वपूर्ण यह है कि इस इंडस्ट्री के अंदर उस 65,000 करोड़ में आपका हिस्सा कितना होने वाला है। यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं कभी भी बड़ी बातें नहीं करता, मैं कभी वो चीजें नहीं बताता आपको स्क्रीन के ऊपर कि इंडस्ट्री इतनी होने वाली है, ये टर्नओवर इतना होने वाला है, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर ये चलने वाला है, हमारी कंपनी यहाँ काम कर रही है, ये इंडस्ट्री। नेवर यार, मुझे एक चीज पता है, रवि शर्मा का हिस्सा कितना होने वाला है, मुझे उस पर फोकस करना है, दैट्स इट। मेरे सामने बैठा रामलाल का हिस्सा कितना होने वाला है, मुझे उससे मतलब है। मेरी टीम के अंदर आप 1,000 लोग यहां पर बैठे हैं, आपका टर्नओवर कितना होने वाला है, मुझे उससे मतलब है। रामलाल, श्यामलाल, सीता, गीता, मेरा टर्नओवर, आपका टर्नओवर 10 लाख होना चाहिए। उम्मीद करता हूं मार्च 2022 चल रहा है और दिसंबर 2022 में आपका टर्नओवर 20 लाख होना चाहिए, मुझे ये चाहिए, दैट्स इट। इससे मतलब है मेरे को, और यही आपको सीखना है और सिखाना है अपनी टीम को। तो फोकस कीजिए अपनी एक्टिव और ग्रोइंग अप्लायंस से, हमेशा टच में रहिए। मेरी ये 4 जो बातें मैंने आपको बोली, इन 4 टायरों में से अगर किसी की भी हवा कम हो गई, गाड़ी पंचर हो जाएगी मेरे भाई। और इन 4 टायरों को आपने फोकस किया, आपकी गाड़ी 120 पर दौड़ेगी। कौन सी 4 बातें? पहला, खुद पर बिलीव, दूसरा, कंपनी पे बिलीव, तीसरा, प्रोडक्ट्स लगातार काम में लेना, और चौथा, अपनी एक्टिव और ग्रोइंग अप्लायंस से टच में रहना। हेलो, ये 4 अगर आपने काम कर लिए तो आपको कोई रोक नहीं सकता आगे बढ़ने से, लेकिन करने पड़ेंगे। डायरी में लिखने से काम नहीं चलेगा, जिंदगी में उतारने पड़ेंगे। आज लिख लोगे और कल सो जाओगे, बड़े नहीं बन सकते। हमेशा लिखते लिखते आए हो, कभी फॉलो भी करो। हमेशा देखता हूं जिसको देखो डायरी में लिखता रहता है, लिखता रहता है। फॉलो करने की बात आती थी, कोई फॉलो ही नहीं करता, फिर लिखते क्यों है हम लोग? डायरी रखो ही मत, रख रहे हो तो उसको जिंदगी में उतारो। कड़वा सत्य है पर सत्य है, सच है तो सच है। हेलो, भूख होनी चाहिए मेरे भाई। मेरे को कुछ समझ नहीं आता, मुझे एक चीज समझ में आती है, मुझे आगे बढ़ना है, दैट्स इट। और मुझे कोई रोक नहीं सकता क्योंकि मेरी भूख है। कर सकते हैं काम हम लोग? हेलो दोस्तों, इस बिजनेस का कोई मुकाबला नहीं है। मैं आपसे बता देता हूं, इससे बेहतरीन धंधा पूरे वर्ल्ड में नहीं है। और मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूं, गौर करना राकेश जी, सब लोगों को बताना चाह रहा हूं। अभी कुछ 7-8 दिन पहले एक बहुत बड़े बिजनेसमैन मेरे साथ में बैठे थे, गौर से सुनना मेरे सारे लोग, मेरे दोस्तों, अगर किसी को घमंड है कि वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, किसी को घमंड है कि वो महीने का 2 लाख 5 लाख कमा रहा है आरसीएम के अलावा, आज सबका मैं दूर कर देता हूं 2 मिनट के अंदर। राकेश सर, प्रमोद सर, आप सुनिएगा गौर से, जितने सीनियर अचीवर है और सारे लोग सुनिएगा। मैं अभी 7 दिन पहले एक बिजनेसमैन के साथ बैठा था, 200 करोड़ का टर्नओवर उसका। कितना सर? 200 करोड़ का। हम दोनों आमने सामने हुए, वो मेरे को जानते थे
उन्होंने मेरे से पूछा, रवि जी क्या कर रहे हैं आजकल, वही काम कर रहे हैं क्या? मैंने कहा हाँ सर वही कर रहा हूँ। कि वही काम है जो आप समझिए किस वे में उन्होंने बोला, तरीका आप जान सकते हैं कि हमारे बिजनेस को कैसे देखा जाता है। उन्होंने गलत शब्द काम में लिए, उन्होंने हमारे बिजनेस के लिए कुछ गलत शब्द काम में लिए। मैंने कहा जी सर मैं वही काम कर रहा हूँ और मेरा अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने मेरे से बोला आपको पता है मेरा टर्नओवर 200 करोड़ का है, मेरी फैक्ट्रियां हैं, ये वो दिस दैट, मैं कितना बड़ा आदमी हूँ। मैंने कहा सर बिल्कुल आप बड़े आदमी हैं, मैं भी थोड़ा बहुत हूँ, ऐसी बात तो नहीं है। अरे रवि जी कहाँ कंपेयर कर रहे हो आपके बिजनेस का हमारे से, मेरे पास बहुत कुछ है, आप कहाँ अड़ते हो मेरे आगे। ये बात मेरे दिल को लग गई क्योंकि उन्होंने आरसीएम के लिए गलत शब्द काम में लिया, वो शब्द मैं यहाँ पे काम में नहीं ले रहा, ठीक है सर, उन्होंने वो शब्द गलत काम में लिया। अब देखिए राकेश जी लड़ाई हो गई, हम आमने सामने बैठे थे, एक शब्द बोला उनको मैंने, जब मेरा दिमाग मेरे को लगा कि उन्होंने बहुत ज्यादा बोल दिया है, मैंने एक शब्द बोला, एक काम करते हैं माननीय महोदय, 2 महीना मैं आपको देता हूं, 2 महीना मेरे पास है, हम दोनों फोन साथ में रख देते हैं आमने सामने, हमारे दोनों फोन स्विच ऑफ कर देते हैं, टेबल पर रख देते हैं, और 2 महीने आप मेरी शकल देखोगे, मैं आपकी शकल देखूंगा, ना आप कमरे से बाहर जाओगे ना मैं कमरे से बाहर जाऊंगा, हम दोनों कमरे में पैक रहेंगे और खाना खाएंगे और मजे करेंगे, देखते हैं 2 महीने बाद किसका बिजनेस चलता है। अब बताइए उसका रिप्लाई क्या आना चाहिए, उसका दिमाग खराब हो गया, पागल हो गए हो, अगर मैं 2 महीने फोन ऑफ कर दूंगा तो मेरी फैक्ट्रिया कौन संभालेगा। मैंने कहा जी आप तो बिजनेस मैन है ना, 200 करोड़ के मालिक है, मेरे 200 करोड़ का बिजनेस नहीं है, मेरी तो फैक्ट्री भी नहीं है, अपन दोनों बैठ जाते हैं ना आमने सामने, देखते हैं किसकी इनकम आती है। इतना सा मुंह हो गया उसका। मैंने कहा उसके बाद 6 महीने और बैठ जाते हैं, दोनों स्विच ऑफ करके फोन बैठेंगे और आमने सामने बैठेंगे, देखते हैं कि पैसे वाला कौन है, आप या मैं। आपने करोड़ों रुपए लगा के भी आपके दिमाग में सुकून नहीं है, आपको भागना पड़ेगा, आपको दौड़ना पड़ेगा, आपको फोन अटेंड करने पड़ेंगे। लेकिन मेरा व्यापार ऐसा है कि मैं अगर 6 महीने घर में सो भी जाऊं उसके बाद भी मेरे पास इनकम आएगी आएगी। बताइए व्यापार आपका अच्छा या मेरा अच्छा, और नहीं है तो चेक कर लेते हैं, सामने रख दो फोन और स्विच ऑफ कर दो, देखते हैं बड़ा बिजनेसमैन कौन है। अब मेरे को बताओ दोस्तों क्या होगा उसकी हालत। उसकी शकल देखने लायक हो गई थी और उसने मुझे बोला रवि जी आप मजाक कर रहे हैं। मैंने कहा मैं मजाक नहीं कर रहा सर, आप चाहिए तो अभी, और विश्वास नहीं है तो शर्त लगाते हैं, 5 करोड़ है तो आप मेरे को दे देना या 5 करोड़ मेरे से ले जाना। बोलिए क्या करें, तैयार हो गया। उसका चेहरा लटक गया था। दैट्स कॉल्ड आरसीएम की पावर। अच्छे अच्छे करोड़पति भी आपके सामने हार टिका देंगे, हार मान जाएंगे, क्योंकि सारी टेंशन कंपनी की है। बैठे बैठे बिजनेस होगा मेरे भाइयों, रॉयल्टी और टेक्निकली लाइन लग जाएगी, इतनी इनकम आएगी कि खर्च करते करते परेशान हो जाओगे। सिर्फ एक बार नेटवर्क पर फोकस कर लो, टीम पर फोकस कर लो, अपलाइन को फॉलो कर लो, टारगेट पर फोकस कर दो, अच्छे अच्छे करोड़पति भी आपके सामने कहीं नहीं अड़ने वाले। आज मेरे को देखिए, कोरोना काल के अंदर जहां पूरा वर्ल्ड रुका हुआ था, हमारा बिजनेस चल रहा था, बताने की जरूरत नहीं, आप सबको पता है, और नहीं पता तो बता देता हूं, लगातार 2 साल से लगातार बिजनेस ग्रोथ कर रही है। 100 करोड़ का टर्नओवर क्रॉस कर चुका मेरा बिजनेस, वॉल्यूम की बात कर रहा हूं, 100 करोड़। 100 करोड़ कम नहीं होता, आई थिंक ठीक ठाक होता, साल की नहीं महीने की बात कर रहा हूं, और ये बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है। एक दिन ऐसा भी आएगा मेरे भाइयों की 2030 में, हो सकता है ऊपर वाले ने चाहा तो रवि शर्मा जी कभी आपके शहर में आए तो कार में नहीं आएंगे, गड़गड़ समझ गए ना आप लोग, गड़गड़ का मतलब क्या होता है, उसमें भी आ सकते हैं। ये ताकत है आरसीएम बिजनेस की। आज राकेश शर्मा जी का मकान देखिए आप, इन्होंने जो दिखाया है, अच्छे अच्छे ड्रीमर्स होते हैं जिनके बंगले ऐसे नहीं होते, आज इनका है, ये तो शुरुआत है, क्या उम्र है इनकी, आगे आने वाले समय में क्या होगा। एक दिन राकेश शर्मा जी हेलीकॉप्टर में आएंगे और आप लोग इनका इंतजार करेंगे, और एक दिन आप भी हेलीकॉप्टर में आएंगे, लेकिन तब होगा जब हम अपने सपनों को मरने नहीं देंगे, अपने विश्वास को टूटने नहीं देंगे, टिके रहेंगे, मेहनत करेंगे। देखिए दोस्तों दुनिया मेहनत को सलाम करती है, हर इंसान ने अपनी जिंदगी की शुरुआत जीरो से करी है, हीरो बाद में बना है, लेकिन शुरुआत तो करिए। आपको सिर्फ कूदना है, आपको सिर्फ कमिटमेंट करना है अपने आप से, और कमिटमेंट आपसे पूरी जिंदगी का नहीं मांग रहे, 2 से 5 साल ईमानदारी से। अगर मेरी बातें समझ में आ रही है आप लोगों को तो आप फॉलो करेंगे, और नहीं आ रही तो बिल्कुल फॉलो मत करना, या तो करना मत, और कर लिया आरसीएम तो रुकना मत, टेंशन मत करना, आप नहीं करोगे तो अगली मीटिंग में कोई नया आने वाला है। हमारे यहाँ पे बहुत अच्छी जनसंख्या की कोई कमी नहीं है, 140 करोड़ का देश है, आपका भाई कोई ना कोई तैयार होने वाला है। इसलिए मेरे दोस्तों या तो खुद तैयार हो जाओ या अगली मीटिंग में कोई ना कोई तैयार होने वाला है। आरसीएम रूपी ये ट्रेन या वजह अब रुकने वाला नहीं है, इसलिए फ्रेंड्स मेरी बातों को फॉलो कीजिए। मार्च मंथ टारगेट मंथ है, अपने टारगेट को सेट कीजिए, आपकी जितनी अप्लायंस उन्होंने जो भी टारगेट दिए उस पर फोकस कीजिए, टारगेट के ऊपर जिंदगी में काम कीजिए। जिसका कोई टारगेट नहीं होता
उसका भगवान भी कोई टारगेट नहीं लेता, और जिसका खुद का टारगेट होता है तो भगवान भी उसको अपने टारगेट में ले लेता है, क्योंकि भगवान को पता है कि इसका भी कोई टारगेट है। इसलिए मेरे दोस्तों, टारगेट पर काम कीजिए, जो भी आपको टारगेट दिया उस पर वर्क कीजिए, दुनिया उसी को सलाम करती है, उसी की इज्जत करती है जो मेहनत करता है, आगे बढ़ता है। मजबूर कर दो राकेश जी को कि वो आपसे आपका नंबर मांगे, आप उनको अपना नंबर ना दो, राकेश जी खुद चलाकर बोले कि यार ये कौन बंदा है जिसने 6 महीने के अंदर रॉयल्टी निकाल दी, टेक्निकल निकाल दिया, और वो खुद आपको फोन करें। ऐसा काम कीजिए दोस्तों, आपकी इज्जत, आपका सम्मान पूरे हिंदुस्तान में होगा, आपका नाम पूरे हिंदुस्तान में होगा, आपको आपके शहर में नहीं जाना जाएगा, पूरे इंडिया में जाना जाएगा, और एक दिन ऐसा आएगा कि लोग आपको अपने घर में बुलाएंगे, आपकी रेस्पेक्ट करेंगे। आज मैं देखता हूँ, प्रमोद सर को देखिए, राकेश सर को देखिए, आज इनकी इतनी इज्जत है कि हिंदुस्तान में लोग इनके घरों में बुलाते हैं। मतलब मैं शब्द में बयान नहीं कर सकता कितनी इज्जत करते हैं। ये सारा प्यार, ये सब सम्मान आपको मिलने वाला है, सिर्फ एक कमिटमेंट आपका अपने आप से करना है और आगे बढ़ना है, और अपने जिंदगी में अपने टारगेट्स को पूरा करना है। मार्च मत में जो भी टारगेट आपको मिले उस पर काम करा, रुकना मत, थकना मत। फिर बोल देता हूं, आप अगर नहीं करोगे तो कोई ना कोई तो आएगा, वो करेगा, और अगर आपने कमिटमेंट कर दिया तो आप आगे बढ़ जाओगे, निर्णय आप लोगों का है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतनी देर मेरी बातों को सुना, मेरी भावनाओं को सुना, मेरे विचारों को सुना, और उम्मीद करता हूं आप में से कुछ लोग एक नया इतिहास बनाएंगे, एक नई परिभाषा लिखेंगे, अपने आप को आगे बढ़ाएंगे, नया इतिहास लिखेंगे और कुछ नया करके दिखाएंगे। भूत बन जाना, भूत बन जाना, भूत बन जाना, 5 साल के लिए RCM का भूत बन जाना, उसके बाद देखना क्या होने वाला है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, ओवर टू MC जो भी है, थैंक यू सो मच, एंड जय RCM। थैंक यू रवि सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, ग्रेट माइंड ब्लोइंग है एज यूजुअल सर, हमेशा की तरह फाड़ के रख दिया सर सब कुछ, और ये तो शब्द इस हमें बोलने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि वो मैं देख रहा था कि चैट बुक जो है रुका नहीं है एक मिनट के लिए भी, और बहुत बेहतरीन सर, माइंड ब्लोइंग हर समय की तरह, एवरी टाइम, एवरी वेयर एंड एवरी सिचुएशन, चाहे वो डिजिटली हो चाहे वो फिजिकली हो, यू आर रॉक स्टार सर, और बहुत बढ़िया सर, शानदार, माइंड ब्लोइंग, और बहुत बहुत धन्यवाद सर इतना प्यार मोहब्बत देने के लिए, और समय समय पर हम आपको याद करते रहेंगे सर, और आप ऐसे ही अपना आशीर्वाद जो है बनाए रखें, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। और इस प्रोग्राम को कंक्लूड करने के लिए और आगे के लिए मैं एक बार जो है हम सबके गुरुदेव, ग्रेट पर्सनैलिटी, डायनेमिक हीरो, श्रीमान राकेश शर्मा साहब को वेलकम करता हूँ। वेलकम राकेश सर। थैंक यू प्रमोद सर, और थैंक यू वेरी मच रवि सर, आपका जो सेशन रहता है वो बहुत सारे लोगों की जिंदगियों को बदल देता है। पीछे कई बार आपके कई सारे प्रोग्राम हुए हैं इस टीम के अंदर में, और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि रवि सर के प्रोग्राम के बाद हमने एक डिसीजन लिया, और मैं देख रहा हूँ आज भी बहुत सारे लोग जीवन में कामयाब होने के लिए और RCM बिजनेस में कामयाब होने के लिए डिसीजन लेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, और मैं यही कहना चाहूंगा जितने भी साथी अभी हमारे सामने बैठे हैं, एक गाना आप सुनते हैं पिछले, एक्चुअली गाना 3 पीढ़ियों से चल रहा है, यानी पहले दादाजी उस गाने को गाते थे, फिर पिताजी गाने लगे, फिर हम गाने लगे। वो गाना आपने सुना होगा कि हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, है ना। इस गाने को एक्चुअली इसकी शुरुआत हुई दादाजी से, दादाजी इस गाने को गाते थे, और गाते गाते वो एक दिन आया नहीं, वो चले गए, है ना, दुनिया को छोड़ के चले गए, वो एक दिन आज तक नहीं आया है। फिर यही गाना गाना स्टार्ट किया पिताजी ने कि हम होंगे कामयाब एक दिन, वो पिताजी का भी एक दिन नहीं आया, और वो भी शायद, बट आज वो गाना हम गा रहे हैं। देखिए मैं एक चीज बोलता हूँ सर, वो एक दिन कभी नहीं आता, उस एक दिन की शुरुआत करनी पड़ती है। आज रवि सर के प्रोग्राम को देख के मैं चाहता हूँ यहाँ पे जितने भी साथी बैठे ना, उस एक दिन की शुरुआत करें, इस आज के दिन से शुरुआत करें, इस महीने से शुरुआत करें। ये जिंदगी भर करने का बिजनेस नहीं है, रवि सर ने अभी बताया, ये कुछ समय करने का बिजनेस है, ये 3 साल करने का बिजनेस है। मेरे समय में OP शर्मा सर की पहली मीटिंग देख के मैंने RCM को शुरू किया था, और उसी दिन डिसीजन ले लिया था, उन्होंने कहा था 5 साल में जीवन को बदल के रख देगा, और 5 साल करने का डिसीजन लिया उसी हॉल से, और 5 साल किया, और 5 साल में जीवन को बदल दिया RCM ने। और मैं यही आपको कहना चाहूंगा, 3 साल करने का बिजनेस है, शुरुआत इस महीने से करो, ये स्पेशल मंथ है, खास मंथ है, इससे अच्छा टाइम आ नहीं सकता। अगले 3 साल में 6 टारगेट मंथ आएंगे, अगर आपने सीरियस होके इन 6 टारगेट मंथ में सही ढंग से काम कर लिया, मेरे को नहीं लगता 7वें टारगेट मंथ में काम करने की जरूरत पड़ेगी, ऑटो मोड में आ जाएगा आपका बिजनेस। अभी रवि सर ने बताया कि उनका एक दिन का बिजनेस 10 करोड़ रुपए का, 10 करोड़ बीवी,
डीपी की बात करें सर, 18-19 करोड़ डीपी, और कितने रुपए की इन्वेस्टमेंट, 18-19 करोड़ का बिजनेस एक दिन में, एक तारीख को होता है। इन्वेस्टमेंट कितनी, इन्वेस्टमेंट 1200-1500 रुपए के कपड़े खरीदे थे आरसीएम बिजनेस से, वहीं से शुरुआत हो गई थी। ये दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस है, इससे ऊपर कुछ हो ही नहीं सकता। ये दुनिया का आसान बिजनेस है, इससे आसान दुनिया का कोई काम नहीं हो सकता। सिर्फ डिसीजन लेने की जरूरत है सर। आज 17 तारीख हो चुकी है, मैक्सिमम जो हमारे ऑफर हैं, अच्छे ऑफर, बड़े शानदार ऑफर, वो हमने 10 तारीख तक दिए थे। लोगों की डिमांड आई, जैसे उत्तर प्रदेश में, पंजाब में इलेक्शन थे, तो बहुत सारे लीडर्स की डिमांड आई कि सर इलेक्शन की वजह से कुछ लोग उस ऑफर के ऊपर काम नहीं कर पाए, थोड़ा सा एक्सटेंड कर दो। तो सभी सीनियर साथियों ने उसको 20 तारीख तक 10 दिन का टाइम और दिया। तो आज 17 तारीख हो चुकी है, 3 दिन हमारे पास में बचे हुए हैं। इन 3 दिनों में आप, ये 3 दिन बाद वो ऑफर सारे क्लोज हो जाएंगे, तो 3 दिन में आप उन ऑफर्स के ऊपर काम करें, अपनी टीम के मैक्सिमम से मैक्सिमम लीडर्स को अपने ऑफर्स के अंदर उनका ऑफर कंप्लीट कराएं, अपने ऑफर में आप एंट्री करें। और मैं ज्यादा कुछ ना बोलते हुए यही लास्ट में कहना चाहूंगा सर, अच्छे फिनिशर बने। महेंद्र सिंह धोनी को लोग जानते हैं, क्यों जानते हैं, क्योंकि उनको पता था कि खेल कब कैसा खेलना है। इस बिजनेस में अगर आपको ये पता चल गया कि कब कैसा खेल खेलना है, देखिए क्रिकेट में 2 पार्ट होते हैं, वैसे हमारे बिजनेस में 2 पार्ट होते हैं। क्रिकेट का पहला पार्ट होता है शुरू के 45 ओवर का पार्ट, 1 से 45 ओवर का जो खेल है वो अलग, विकेट बचनी चाहिए, रन आराम से बने नो प्रॉब्लम, बट विकेट नहीं निकलनी चाहिए। लेकिन लास्ट के 5 ओवर में उसी खिलाड़ी की सोच होती है कि रन बनने चाहिए, विकेट जाए तो जाए। तो यही चीज सर हमने काम करना है अगले 3 दिन में, 20 तारीख को ऑफर क्लोज हो जाएंगे, अगले 3 दिन में रन बनने चाहिए, विकेट जाए तो जाए, तो रन बनाने के ऊपर सर काम करें। शानदार ऑफर है, एक से बढ़कर एक ऑफर दे रखे हैं। और आज की ये जो मीटिंग है, जो रवि सर का आशीर्वाद हमारे को, इस पूरी टीम को मिला है, मैं गारंटी दे रहा हूं सर, इस आज की मीटिंग आपके टारगेट में, आपके बिजनेस को बढ़ाने में, आपके ऑफर के ऊपर काम करने में, आपके लक्ष्य को पूरा करने में, घी में, आग में घी का काम किया होगा इस मीटिंग में। तो अगेन हम सभी लोग दिल से धन्यवाद करेंगे रवि सर का। और लास्ट में यही कहूंगा सर, ये 3 दिन, और 3 दिन नहीं है, 3 दिन और 3 रात लगा लो आग सीने में, जब तक कोई ना कोई ऑफर ना अचीव हो जाए इस 3 दिन के, इस 20 तारीख तक इस महीने में। तो बहुत बहुत धन्यवाद रवि सर का, और बहुत बहुत धन्यवाद सभी लीडर्स का। आज मौका नहीं है हमारे पास में, आप सबको भी मैं सुनना चाहता हूं, तो एक बार मैं आप सबको अनम्यूट कर रहा हूं अपने स्टाइल में। देखिए जब एक लीडर हमारे को कुछ देता है ना, आज रवि सर इतनी लंबी ड्राइविंग करके आए, उसके बाद उन्होंने जैसे ही वो घर पे पहुंचे तुरंत इस मीटिंग के अंदर वो बैठ गए, ऐसी कोई मजबूरी नहीं थी। अगर वो मना भी कर सकते थे, वो ये भी कह सकते थे कि नहीं सर मैं बाहर हूं और मैं अभी तो नहीं दे पाऊंगा टाइम, फिर कभी देखेंगे, और शायद हमें काम चलाना पड़ता। लेकिन सर का धन्यवाद कि एक छोटी सी रिक्वेस्ट पे, एक्चुअली आज का टाइम किसी और लीडर का था, और बाई चांस वो लीडर कहीं बाहर चले गए, तो कल रवि सर का मैंने टाइम ले रखा था 24 तारीख का। तो एक छोटी रिक्वेस्ट मैंने कल शाम को ही की, मैंने कहा सर ऐसे से एक लीडर का टाइम था और वो किसी कारण से वो टाइम नहीं दे पाएंगे, तो आपका समय हमें चाहिए। तो सर ने बताया कि मैं रस्ते में रहूंगा, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, आप अगर रस्ते में भी रहो तो भी 1 घंटे का आशीर्वाद दे देना, वो 1 घंटे का आशीर्वाद हमारे लिए आग में घी का काम करेगा, हमारे बिजनेस में बहुत सारे लोगों के जीवन को बदल देगा। और सर ने बात एक्सेप्ट की और आशीर्वाद दिया, और पता नहीं कितनी स्पीड पे उन्होंने गाड़ी चलाई होगी कि ये पूरे 8 बजे से पहले घर पे पहुंच गए, और घर पे बैठ के आज हमारे को अपना मार्गदर्शन दिया, आशीर्वाद दिया बहुत सारे लोगों को। एक्चुअली उम्र में रवि सर बहुत सारे लीडर्स से, बहुत सारे लोगों से कम है, है ना, मेरे से बहुत छोटे हैं उम्र में भी, क्योंकि जब ओपी सर शर्मा सर के घर पे जाते थे तो रवि सर उस समय छोटे होते थे, तो उम्र में सबसे बहुत सारे लीडर्स से कम है, छोटे हैं, लेकिन बिजनेस में इनका लेवल बहुत बड़ा है, तो बिजनेस के हिसाब से हम सबके गुरु हैं। तो एक बार अपने अपने स्टाइल में हम धन्यवाद करेंगे रवि ओपी शर्मा सर का, और आज की इस मीटिंग का समापन करेंगे। अगेन मैं कहना चाहूंगा ये समय दोबारा नहीं आएगा, अगले 3 दिन मैक्सिमम काम करें, मैक्सिमम काम करें सर, कम से कम सोएं, सोने के समय को कम करो अगले 3 दिनों में, मैक्सिमम वर्किंग आवर्स को बढ़ाओ, मैक्सिमम फॉलो करो अपनी टीम के, टारगेट को चेक करो, टारगेट को पूरा करने के लिए जी जान लगा दो। और मैं यही कहता हूं जो हर बार हर टारगेट मंथ में मेरी फेवरेट कोटेशन होती है कि दिल, दिमाग, गुर्दा, फेफड़ा, किडनी सब कुछ लगा देना चाहिए और 3 दिन में कमाल करके दिखाना चाहिए। थैंक यू वेरी मच आप सभी का, और थैंक यू वेरी मच रवि ओपी शर्मा सर का, जिन्होंने एक शानदार आज का सेशन दिया है। मैं अनम्यूट कर रहा हूं आप सभी को, आप अपने अपने स्टाइल में रवि ओपी शर्मा सर को धन्यवाद कर सकते हैं।
RCM, the dream world, transforming lives, transforming India.